हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? और ये सामने जो आप मॉडल देख रहे हैं, TSLT20A+ प्रोजेक्टर है, 11,500 लूमिनेंस है, ANSI लूमिनेंस 2800 है। प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट रेशो 25,000:1 का है। एंड्रॉयड 9, 1 GB रैम, 8 GB रोम है। और यह सामने आप स्क्रीन देख सकते हैं। अभी जो है मैं प्रोजेक्टर ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए प्रोजेक्टर जो है ऑन हो गया है यहाँ पे। इतना डे लाइट भी हो रहा है, पूरा अंदर टोटल उजाला है। आप देख सकते हैं कितनी लाइटिंग है यहाँ पे। ये प्रोजेक्टर रखा हुआ है, ठीक है, और प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है यहाँ पे। जो रेड लाइट है मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो रेड लाइट जो है मैंने ऑफ कर दी है यहाँ पे, और मेरी एक ब्लू लाइट भी यहाँ ऑन है, तो ब्लू लाइट भी मैं ऑफ कर देता हूँ। और ये देखिए आप, बाहर का इतना उजाला अंदर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये उतना तो डेलाइट नहीं, पर आप इतना देखो प्रोजेक्टर एकदम। आप सोच रहे हो कि गार्डन में लेके बैठ जाएं और वहाँ पे प्रोजेक्टर, तो वो तो दोस्तों वहाँ पे यकीन मानिए आप LED लेके बैठ जाना, उसकी भी पिक्चर क्वालिटी में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ओके, तो हर चीज़ एक हिसाब की बनी रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रोजेक्टर से आप छोटे में छोटा 50 इंच और बड़े में बड़ा 650 इंच तक का स्क्रीन साइज बना सकते हैं। प्रोजेक्टर एक नंबर है। बाकी सेटिंग वगैरह पूरा ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना हुआ है प्रोजेक्टर के ऊपर, पूरा अनबॉक्सिंग, पूरा फुल डिटेल का। फिर भी यहाँ मैं आपको दिखा सक देता हूँ एक बार। ये AV कनेक्टिविटी आपको यहाँ शो हो जाएगा ऊपर, इस पर ओके करेंगे तो आपका AV सोर्स जो भी होगा यहाँ आ जाएगा। HDMI 1, HDMI 2 यहाँ मैं आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ओके, बाकी होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपका USB पेन ड्राइव जो भी लगा होगा शो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है ऐप सेटिंग आ जाएगा। पूरा ऐप सेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्राउज़र और प्ले स्टोर, यूट्यूब, ऐप स्टोर, काइंड लिंक। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मैं इसका आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये मैक्स हब शेयर फॉर TV, ये मैंने यूज़ नहीं किया है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा इसलिए इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ओके, बाकी काइंड लिंक है, तो यहाँ पे आप जो है स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हैं, मतलब आपका जो मोबाइल का डिस्प्ले है आप प्रोजेक्टर के डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो ये फीचर आपको काफ़ी अच्छा है यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ये भी इनविजिबल आर्ट, ये भी मैंने तो मैं एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, इसमें वॉलपेपर दिए हुए हैं, आप यहाँ से वॉलपेपर भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। और प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नेटवर्क सेटिंग मिल जाएगा, ठीक है। वाईफाई वगैरह आप कनेक्ट करके चला सकते हैं, वायर है तो वायर पे सेलेक्ट कर लें, वाईफाई वायरलेस है तो वायरलेस मतलब वाईफाई पे कर लें आप। यहाँ पे आपका पेन ड्राइव शो हो जाएगा, जो भी डाटा इसमें होगा आपका पेन ड्राइव के अंदर यहाँ शो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सेटिंग है, तो सेटिंग में आपको वही नेटवर्क वाईफाई सेटिंग मिल जाएगा। यहाँ यहाँ पे प्रोजेक्शन सेटिंग मिल जाएगा आपको। यहाँ पे की स्टोन करेक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे की स्टोन करेक्शन यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे सेट किया हुआ है, इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं पूरा बिल्कुल। ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो रीसेट भी कर सकते हैं आपका सेटिंग। बाकी यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली भी स्क्रीन छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जूम इन भी दिया हुआ है, आप यहाँ से जूम इन भी कर सकते हैं 50%। तो अभी जैसे मैंने सेटिंग को ऑन किया है ना, तो यहाँ पे जो है मेरा डिजिटल की स्टोन करेक्शन जो है बिगड़ गया पूरा। मतलब किसी भी एक सेटिंग पे ही आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं इधर से किया, इधर से भी थोड़ा सा और कर लूँ, तो जो फर्स्ट सेटिंग आपने किया हुआ ना, जैसे अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ से देखा था, सेट कर रखा था, तो ये यहाँ से ख़राब हो चुका है। ओके, तो ये इस तरीके से आप वापस इसे सेट कर सकते हैं, अगर जैसे रीसेट हो जाता है तो। ओके, तो ये मैंने दोबारा सेट कर लिया है, तो यहाँ पे जो है स्क्रीन सेटिंग मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा। अभी ये मैंने फिर देखिए, जैसे इसको ऑन भी किया तो भी वो हो गया, ख़राब हो गया पूरा डिस्प्ले, और ऑफ़ किया तो भी पूरा का पूरा डिस्प्ले ख़राब हो गया। तो ये मतलब आप इसको जैसे डिजिटल 4D की स्टोन से सेट कर रहे हैं स्क्रीन, तो डिजिटल 4D की स्टोन से ही सेट कर सकते हैं। और यदि आप इसको डिजिटल जूम इन से सेट कर रहे हैं, तो डिजिटल जूम इन ही होगा उसके अंदर, इस तरीके से, ठीक है। मैं मतलब एक सेकेंड चलिए, अब ये बात चली रही है ना, तो अपन यहीं कहीं देख ही लेते हैं एक बार, क्योंकि मैंने भी कभी इतनी ट्वेंटिंग बाजी इसमें करी नहीं है। तो हम जैसे कि ये स्केलिंग यहाँ दिया हुआ, तो हम जैसे डिजिटल जूम इन यहाँ पे हमने देखिए पूरा स्क्रीन छोटा कर लिया। ओके, स्क्रीन छोटा कर लिया, अब हम चलते हैं कहाँ, अपने डिजिटल
4D कीस्टोन में। अब देखिए ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब आपने डिजिटल जूम इन कर लिया, उसके बाद स्क्रीन ही छोटा करके आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। पहले मतलब आपको ये चीज़ कर लेनी है कि भाई आपका हेरिजोनटल वर्टिकली जैसे भी स्क्रीन छोटा बड़ा करना है वो कर लें आप, या डिजिटल जूम इन से जैसे मैंने कर रखा है यहाँ से कर लें, ठीक है। उसके बाद आप डिजिटल 4D कीस्टोन से जाके आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने रीसेट कर दिया है। अब हालांकि मेरे को डिजिटल जूम इन की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा तो जो 170 इंच का डिस्प्ले है अभी, पहले 113 इंच का 213 इंच का स्क्रीन साइज़ था मेरा, अभी मैंने छोटा अपने मूवी थिएटर के हिसाब से किया है इसको, ज़्यादा बड़ा आउट ऑफ फोकस होता था, तो 170 इंच का जो है स्क्रीन सफिशेंट है मेरे मूवी थिएटर के हिसाब से, तो मैंने 170 इंच कर रखा है यहाँ पे स्क्रीन, ये सेट कर लिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बाकी आपका टाइम सेटिंग मिल जाएगा आपको, टाइम सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे टाइम सेटिंग वगैरह पूरा कर सकते हो आप। कॉमन सेटिंग है, कॉमन सेटिंग में आप देख सकते हैं जो भी सेटिंग आपके सामने है यहाँ पे,